दोस्तों यूं तो एग्ज़ाम रिजल्ट करने में मिस्टेक्स होना कोई नई बात नहीं, लेकिन जब खबर अपने विश्वविद्यालय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से आ रही हो तो जानना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है कि आखिर क्या मिस्टेक हुआ। आइए दैनिक जागरण की आज की खबर या आर्टिकल देखते हैं। 18 सितंबर आज का न्यूज़ है, पेज नंबर 3 पे दैनिक जागरण में शामिल किया गया है। क्या खबर है आइए थोड़ा खुल के इसको पढ़ते हैं, विस्तृत से जानते हैं। सबसे पहले आप हेडलाइन देखिए, बिना एक प्रश्न पत्र के अंक शामिल किए बीएससी का रिजल्ट घोषित। बीएससी थर्ड ईयर का जो रिजल्ट घोषित हुआ है उसमें एक सब्जेक्ट्स के नंबर्स ही इंक्लूड नहीं किए गए हैं। विस्तृत से पढ़ लेते हैं कि आखिर खबर क्या है। खबर यह है कि अवध विश्वविद्यालय में परीक्षा परिणाम की घोषणा में लापरवाही सामने आई है। बीएससी गणित का परीक्षा फल बिना एक प्रश्न पत्र के अंक पोस्ट किए ही घोषित कर दिया गया, जिसमें विद्यार्थियों की परेशानी बढ़ गई। परीक्षा फल घोषित होने के बाद से ही हाय तौबा है, सभी परेशान हैं। साकेत महाविद्यालय, यहाँ पे एक अंकित किया कि साकेत महाविद्यालय में गुरुवार व शुक्रवार को बारिश के बावजूद परीक्षा फल को लेकर अफरा तफरी सा आलम रहा। छात्र नेता ने विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक से मुलाकात की तो प्रकरण के संज्ञान में आने के बाद समक्ष परीक्षा विभाग हक्का बक्का है। ये खबर आ रही है बीएससी थर्ड ईयर मैथ से रिगार्डिंग। इतनी बड़ी लापरवाही को लेकर परीक्षा नियंत्रक ने अभी तक कुछ भी कदम नहीं उठाया है। लापरवाही कैसे हुई इसका पता नहीं चल सका। बीएससी तृतीय वर्ष में कम अंक मिलने से भी छात्रों में रोष रहा। प्राचार्य डॉक्टर अभय कुमार सिंह व गणित विभाग अध्यक्ष डॉक्टर शिव कुमार तिवारी जी से छात्र मिले। इन दोनों जिम्मेदारों ने विश्वविद्यालय से संपर्क किया और प्रकरण से अवगत कराया। छात्र नेता अजय कुमार मिश्रा व समाजवादी छात्र सभा के महानगर अध्यक्ष शिवांशु तिवारी परीक्षा नियंत्रक उमानाथ जी से मिले। अजय ने कुलपति से इस मामले में दखल देने की मांग करी। अब यहाँ से पढ़ लेते हैं मामला क्या है कि बीएससी तृतीय वर्ष में गणित विषय का पूर्णांक 300 अंक का होता है। इसमें 60-60 अंक के 5 प्रश्न होते हैं, एक प्रश्न पत्र प्रायोगिक यानी कि प्रैक्टिकल है। इस बार इसी का अंक विद्यार्थियों को नहीं दिया गया, सिर्फ 4 प्रश्न पत्रों का अंक ही पोस्ट कर नतीजा घोषित कर दिया गया है। कोरोना में गाइडलाइन के अनुसार स्नातक तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रोन्नत किया गया। तो ये खबर आ रही है कि एक जो प्रैक्टिकल का नंबर था 60 नंबर का, वो मिस्टेक से उसमें अंकित नहीं है और फाइनली रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। तो ये आज की खबर आ रही है अपने विश्वविद्यालय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और विश्वविद्यालय से। तो दोस्तों यूं ही डेली जो भी खबर आएगी अपने विश्वविद्यालय से संबंधित आपको इस चैनल पे पोस्ट कर दिया जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल से जुड़ जाएं। और एक और रिक्वेस्ट कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस विश्वविद्यालय के साथ, आपके साथ आई होप बहुत ही रेयरली ऐसे मिस्टेक्स देखने को मिलते हैं, वंस इन अ ब्लू मून। सो दिस इज़ नॉट समथिंग टू फील बैड, दिस इज़ नॉट समथिंग टू बी वरीड, इट्स फाइन। उम्मीद है विश्वविद्यालय प्रशासन जल्दी इस मामले को संज्ञान में लेके जो भी मिस्टेक्स त्रुटियाँ हुई हैं उसे जल्दी से सही करके फिर से नई परीक्षा फल घोषित कर दी जाएगी। सो के दोस्तों फिर कोई अगर सूचना आती है तो आपको अपडेट किया जाएगा। इस चैनल से जुड़े रहिए, आरएमएल से संबंधित सूचनाएं आपको मिलती रहेंगी। और अगर आप बीएड के स्टूडेंट हैं तो खास तौर पे आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल से ज़रूर जुड़िए, आपको बहुत जानकारियाँ यहाँ पर दी जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नई सूचना के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।